पास का। बता रहा है मुझे कि मेरे मेटल्स के मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, इसको मैं बोलूंगा थोड़ी सी स्टार्ट करो, ये करेगा मेटल्स, जैसे मुझे कुछ चोट लगी है तो मेरा मेटल स्टेटस ठीक है तो मैं तो बोलूंगा भाई इसको इस तरह से करो, थोड़े क्लोज करो, देखो इसमें इसके गले में अटका हुआ है कुछ। यहाँ से एक पाँव रखने के बाद दोनों हाथ रखेंगे, अगर हमारे पास डिस्टेंस लंबा है अगर उसको लंबा लेके जाना करने के बाद वापस लेके आएंगे दूसरे। अगर एक बात मुझे बताओ, हमारे पास चार तीन विक्टिम है, एक है सबसे पहले क्रिटिकल इंजर जिसको इंजरी हुई है जिसका खून बह रहा है, दूसरे नंबर है जिसकी एक बाजू टूटी हुई है, और तीसरे नंबर है एक ही टांग कटी हुई है, और चौथे नंबर हमारे पास विक्टिम है वो डेड है। सबसे पहले किसको लोड करोगे आप, किसको करोगे? एक एक पूरी बाजू कट गई है, तीसरा विक्टिम ऐसा है जिसकी टांग कट गई है, चौथा विक्टिम ऐसा है जो डेड डिक्लेयर है, डेड है। ब्लीडिंग वाले की पहले ब्लीडिंग वाले को लोड कर दिया मेरे सामने से, किसको लोड करोगे? ब्लीडिंग वाले को। नंबर तीन किसको लोड करोगे? ब्लीडिंग वाले को। रॉन्ग। किस तरह से अगर किस ये हमें कॉलेज की तरफ से बुलाया गया था, इन्होंने एक लेटर लिखा था हमें डिप्टी कंट्रोल साहब को, तो फिर वहाँ से हम रजौरी से एक टीम लेकर आए थे, और जो सिविल डिफेंस यहाँ नौशहरा है वहाँ के वॉलंटियर वार्डन सर्विस VHG वॉलंटियर होम गार्ड्स और हमारे SDRF वाले जो टीम है एक रेस्क्यू वैन लेकर हम यहाँ आए। वहाँ एक अवेयरनेस इस पर है कि एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे मिटिगेट करना है, और लोगों में इसकी थोड़ा उत्साह भी होना चाहिए, अवेयर भी होना चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए, ताकि हम आए कभी भी हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई डिज़ास्टर आ जाए तो हम अपने आप को बचाते हुए दूसरों की फौरी मदद कर सकें। और इसी तरह ये बात मोहल्ला, पंचायत, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, ज़िला लेवल, जहाँ तक हमारी जिम्मेवारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, हम हर एक पंचायत के अंदर इस किस्म के अवेयरनेस कैंप, ट्रेनिंग कैंप, तो लोगों में अवेयरनेस कराना चाहते हैं। यही गवर्नमेंट ने हमारी जिम्मेवारी रखी है, जैसे हमारे आला ऑफिसर साहिबान
जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनकी गाइडलाइंस पर चलते हुए हमने आज यह अवेयरनेस कैंप यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में मुनक्कद करवाया है। ये हमारा जो कॉलेज का एनएसएस विंग है, तो उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट लेटर भेजी थी सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ को कि हमारे बच्चों के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कॉलेज में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऑन अवर रिक्वेस्ट वो टीम आज सारी यहाँ पे आई थी, उनके 25 से 30 लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो ये कैंप स्पेशली बच्चों के लिए अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि बच्चों को ये बताना था कि जब भी कभी कोई इस टाइप की आपदा आ जाती है कि कहीं पे कोई फ्लड आ जाता है या कहीं पे किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है या कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम जो फर्स्ट एड विक्टिम्स को प्रोवाइड करनी होती है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो वो कैसे कैरी आउट किया जाए, तो वो बच्चों को एक आज ट्रेनिंग पार्ट दिया गया जिससे बच्चे अपनी फैमिली में वो शेयर करेंगे, अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और उससे जो है कि एक अवेयरनेस आएगी कि जब भी कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें ये जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है वो ये प्रोवाइड कर सकें, और फिर जो कंसर्न्ड एसडीआरएफ की टीम है या सिविल डिफेंस है या मेडिकल डिपार्टमेंट है तो उनको बाद में ये कन्वे किया जाता है, तो उसके बाद वो उनकी टीम्स आती हैं और बाकी काम वो करती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और बच्चे जो हैं उनको एनएसएस के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स थे, हमारे स्टाफ मेंबर्स थे, सभी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और ये इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन।